सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। सो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सुरोजित दे के बारे में। तो गाइस, इनकी साइड से इनका जो प्रेजेंट टाइम का अपडेट है वो गाइस आउट किया गया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोग इनकी फिजिक को चेकआउट करो। एंड जो कि गाइस उन्होंने अपनी पिकफिट क्लासिक की प्रोफाइल से ये वाला जो अपडेट है वो गाइस शेयर किया है। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो उनकी फिजिक को। एंड अगर आप लोग फोकस करोगे इनकी फिजिक के ऊपर तो सिमिलर आप लोग को अली बिलाल जैसी फ्रेम उनका देखने को मिलेगा। एंड लिटरली काफी अमेजिंग कंडीशनिंग के साथ में आए थे पिकफिट क्लासिक के अंदर। एंड जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कंडीशनिंग के साथ साथ इस कंडीशनिंग में आए थे कि उन्होंने अपने मेंस फिजिक डिवीजन से ओवरऑल टाइटल को भी अपने नाम किया था। सो आप लोग देख सकते हो। बाकी आप लोग को उनका ये वाला जो अपडेट है वो गाइस कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दीपक नंदा यानी कि इंडियन रॉक भाई के बारे में। तो अपने इंडियन रॉक भाई के साइड से प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है वो गाइस शेयर किया गया, जिसमें गाइस आप लोग देख सकते हो कि फिलहाल में इंडियन रॉक जो है वो गाइस कैसे लग रहे हैं। फिलहाल में गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि उनका जो बॉडी वेट है वो गाइस उतना ही जितना कि प्रीवियस ईयर हुआ करता था। एंड गाइस ज्यादा मसल मास उन्होंने ऐड नहीं किया अपनी बॉडी फ्रेम पर। एंड जहाँ कहीं कमी है गाइज, आप लोग को पता हो कि दीपक नंदा भाई को सीरियस मसल मास ऐड करने की जरूरत है, वो भी अपने लोअर बॉडी के अंदर। क्योंकि जैसे कि अभी आप सभी लोगों ने देखा था दिल्ली पुरुषों की स्टेज पर साइज से क्लासिफिकेशन डिवीजन के अंदर ऐसा कोई एथलीट होगा जो कि दीपक नंदा भाई से ज्यादा ड्राई और कंडीशन हो, लेकिन जब बात आती है मसल मास की तो गाइज वहाँ पे अपने दीपक नंदा भाई जो है वो लैक कर जाते हैं। बाकी लेट्स सी आगे क्या अपडेट्स आते हैं। एंड नाउ अब बढ़ते गाइज आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, हम लोग बात करने वाले आखिरकार आफ्टर लॉन्ग टाइम तरुण गिल भाई के बारे में। तो तरुण गिल की साइड से उनका जो प्रेजेंट टाइम का फिजिक अपडेट है वो गाइस शेयर किया गया है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत टाइम से वो फिजिक अपडेट शेयर कर रहे हैं बट गाइस में कवर नहीं किया, लेकिन अभी गाइस आप लोग देख सकते हो वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट अभी उन्होंने अपने फिजिक को लेकर कर रखा है। जो उनकी चेस थी सबसे ज़्यादा उन्होंने इंप्रूवमेंट वहाँ पर किया है, काफ़ी फुलर अभी आप लोग को नजर आ रही है। एंड उनके जो शोल्डर हैं वो भी आप लोग को राउंडर होते हुए नजर आएंगे। तो क्या लगता है गाइस आप लोग को कि फिर से तरुण गिल एक बार हम लोग को दोबारा से ऑन कंपटीशन कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर वो सिर्फ अपना फिटनेस गोल्स कंप्लीट करने के लिए या फिर ओवरऑल आप लोग बोल सकते हो फिट रहने के लिए जो बॉडी है वो गाइज वो बना रहे हैं। बाकी आप लोग क्या थॉट्स हैं, क्या फिर से वो कॉम्पीट करते हुए हम लोग को नजर आएंगे ऑन स्टेज या फिर नहीं, कमेंट करके बता देना आप लोग की जो भी थॉट्स एंड ओपिनियंस रहे हो। एंड नाउ अब बढ़ते गाइज आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सुपर सैम यानी कि अपने निशांत बंसल भाई के बारे में। तो निशांत बंसल भाई अभी भी स्टिल उन्होंने अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया कि आखिरकार वो कौन सा शो कॉम्पीट करने वाले हैं, बट गाइस पहले के अपडेट में उन्होंने बता दिया कि वो 4 वीक्स आउट हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो अपना फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हो उनकी जो चेस्ट है उसमें फाइबर्स ईजिली विजिबल हो रहे हैं। एंड ऑल्सो गाइज वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते जा रहे हैं डे बाई डे। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उन्होंने काफ़ी अच्छा साइज जो है वो गाइज गेन कर लिया अपने प्रीवियस वर्जन से। एंड ऑल्सो उन्होंने गाइज अपनी अपर चेस्ट को भी लेकर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। तो काफी अच्छी खासी उन्होंने ओवरऑल अपना पैकेज जो है वो तैयार कर लिया स्टेज के लिए। बट देखना अभी यही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वो कौन सा प्रो शो कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि निशांत बंसल भाई की जो है वो फिजिक इतनी हाइप नहीं होती जितनी उनकी शो की हाइप होती है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी शो का नाम नहीं लेते, डायरेक्टली कॉम्पीट करने पहुंच जाते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। एंड नाउ अब बढ़ते गाइस आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं गिजो जोन भाई के बारे में। तो गिजो जोन भाई को बार बार बोला जाता है कि गिजो जोन भाई में उतना पोटेंशियल है कि आने वाले कुछ टाइम्स के अंदर वो हम लोग को ओलंपिया के स्टेज पर देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों वो आप लोग खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे वो अपना प्रेजेंट टाइम का जो अपडेट है वो गाइस शेयर करते हैं, जिसमें गाइस काफी अच्छे वो अभी दिख रहे हैं फिलहाल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गिजो जोन भाई कभी भी स्टेज पर कंडीशनिंग के मामले में तो लैक नहीं करते, पर जहाँ कहीं वो लैक करते थे वो था उनका मसल मास। तो वहाँ भी गाइस उन्होंने काफी अच्छा खासा अपने जो बॉडी फ्रेम है उसको फिल कर लिया है और एक राउंडर एंड एक फुलर बॉडी जो है वो तैयार कर ली है। लेकिन फिलहाल में वो अभी भी कोई भी प्रो शो कॉम्पीट नहीं करने वाले। एंड
ऑल्सो गाइज वो अपने जो प्रोपोर्शन है उन पर काम कर रहे हैं एंड जो माइनर चीजें होती हैं उनको काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट करने का वो अभी ट्राई कर रहे हैं। बाकी लेट्स सी आखिरकार उनका जो सेकंड प्रो शो होने वाला है वो कौन सा होता है एंड वो कब कॉम्पीट करते हैं। एंड नाउ गाइज अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग बात करने वाले एक बॉडी बिल्डर के बारे में जो कि होने वाले हैं जेरेमी ब्यूंडिया। तो रिसेंट में गाइज वो अपना 10th फेज वाला जो अपडेट वो गाइज शेयर करते हैं, लिटरली उस अपडेट को वो कैप्शन देते हैं कि मैं अभी खुद की तरह ही नहीं दिख रहा, क्योंकि नॉर्मल डेज में जैसे वो दिखते हैं वैसे अभी फिलहाल में वो नहीं दिख रहे हैं जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो। एंड उनका ये वाला जो फेस है वो गाइज उनकी कंडीशनिंग को बताता है कि अभी फिलहाल में वो कितने ज्यादा कंडीशन है। एंड ऑल्सो गाइज एंड साइज में तो भाई वो लैक करेंगे नहीं। एंड ऑल्सो वो बताते हैं कि वो ओलंपिया के स्टेज पर 85 to 190 pounds वेट लेके आने वाले हैं। बाकी लेट्स सी आई की क्या अपडेट्स आती हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइज।